नमस्कार। कालबोध के इस संस्करण में हमारे जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आज पुनः है श्री सुनील शर्मा जी, जिनको आप पूर्व में सुन चुके हैं। आप सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, जो एक बड़ा ख्यातिनाम विश्वविद्यालय है राजस्थान का और जयपुर का। साथ ही आपका बड़ा अध्ययन है, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे जयपुर डायलॉग्स के निदेशक भी हैं और सदैव इसके कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। आपने इनको कई सेशंस में देखा होगा। इनसे हमने पिछली बार चर्चा की थी भगवान बुद्ध के बारे में, और उसका जो प्रमुख प्रयोजन था या उसका प्रमुख फोकस था वो ये था कि जो कुछ बौद्ध मतावलंबी अपने आप को बौद्ध धर्म कहते हैं या कहते हैं कि साहब भगवान बुद्ध ने एक नया धर्म स्थापित किया था, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और उसका जो लिंक है वो हम कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे, आपने नहीं देखा हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध का वेदों के प्रति और जो हमारे यहाँ की जो वैदिक संस्कृति है उसके प्रति उनका क्या रुख था, उसको को वो कैसे लेते थे, और जो हमारे आजकल के जो संघ में उनका एक प्रकार से मैं कहूँ कि रूढ़िवादिता आई। सभी धर्मों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में रूढ़िवादिता नहीं आई। उसी प्रकार से जब बौद्ध मत में रूढ़िवादिता आई और उन्होंने अपने आप को महायान, वज्रयान, हीनयान इनमें विभक्त करके और आपस में ही लड़ना शुरू किया और उसको एक प्रकार से बिल्कुल जकड़ दिया, और जो एक बिल्कुल मूल जो तत्व था बौद्ध धर्म का जो बुद्ध के समय था वो एक प्रकार से उसमें से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। तो सुनील जी, मैं आपको एक संदर्भ दूंगा। एक हमारे बहुत मनीषी विद्वान हैं डॉक्टर सुभाष काक, वो प्रोफेसर हैं ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में स्टिल वाटर में। उनका हमने एक टॉक भी किया था अभी कुछ ही दिन पहले, और आगे भी योग और आयुर्वेद पे उनका एक टॉक होने वाला है जयपुर डायलॉग में। और वो प्रधानमंत्री का जो एक उपक्रम है, प्रधानमंत्री की एक सलाहकार समिति है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे, उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर एक आर्टिकल लिखा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही और पूरा महापरिवार परिनिर्वाण सूत्र से भी उसका संदर्भ लिया। बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के दिन क्या कहा उसके भी प्रमाण लिए, और उन्होंने कहा कि जो तीन सिद्धांत जो बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, और जब मैं बौद्ध धर्मावलंबियों की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नव बौद्धों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये नव बौद्धों में तो जो भगवान बुद्ध के जो बिल्कुल ही जो मूल तत्व है वो भी उनमें नहीं है, इसलिए इनको तो छोड़ दीजिए। इनके बारे में फिर कभी और बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे बौद्ध मत को ही दूषित कर दिया। तो जो शून्यता की बात आती है, और शून्यता के साथ में ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म के तीन मुख्य सिद्धांत हैं वो है अनित्य या अनात्मावाद, अनित्य या अनित्यवाद और दुख। तो ये किसी भी प्रकार से ये मानते हैं इसको कि ये हर प्रकार से जो वैदिक धर्म है उससे भिन्न है। आपसे अच्छा और इसके बारे में प्रकाश डालने वाला और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर आप प्रकाश डालें। पहली बात पाठकों को नमस्कार। संजय जी, आपने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न पूछा है, मगर मैं पहली बात तो बुद्ध जो है उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में अपनी बात चालू करना चाहता हूँ। पहले वहां से चालू करना चाहता हूँ कि बुद्ध जब अपने घर से निकले महाअभिनिष्क्रमण पर, तो उन्होंने जो दो गुरु बनाए उनमें से एक है आलार कालम और दूसरे उद्दक रामपुत्र। अब देखिए, दोनों जो है ये सांख्य जो है सांख्य और योग इस स्कूल के गुरु हैं, विशेषकर इनको आप योगिक गुरु भी कह सकते हैं। एक जो है योग के अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं और दूसरे योग के
साप्तिक मार्ग की बात करते हैं, सात स्टेप्स की बात करते हैं, दोनों में केवल एक डिफरेंस है। एक जो है जो योग का जो अष्टांगिक मार्ग है, मैं यहाँ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योग की जो आठ जो स्टेप्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बुद्ध को सात स्टेप्स की बात पढ़ाते हैं और दूसरे के पास जब जाते हैं तो बुद्ध को वो आठ स्टेप्स की बात बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो सांख्य और योग की ये जो शिक्षा इन्होंने आलार कालम और उद्धव रामपुत्र से ली है, ये पूरी जीवन इनको इन्होंने इवन अपने जो खुद ने अपने जो फिलोसफिकल जो ऑर्डर इन्होंने एस्टेब्लिश करने की चेष्टा की, जो मोनेस्टिक ऑर्डर जो चेष्टा की इन्होंने, उसमें इन दोनों का इन्फ्लुएंस आपको लगातार आपको मिलेगा। अब एक मिनट के लिए हम एक एक करके परीक्षण करते हैं इन तीन चीजों का जो आपने बात बताई। पहले आपने हम अनात्म की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट जो पूरी फिलॉसफी है उसमें आत्मा के बिल्कुल अस्तित्व को नकार दिया है, क्योंकि अगर उपनिषद अगर अपन बात करें क्योंकि हालांकि ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरे सनातन को केवल वेदांत या उपनिषद ज्ञान में समेटना मेरा में मेरी मूर्ता है, क्योंकि वहां मीमांसा भी है, वहां सांख्य भी है, वहां वैशेषिक भी है, वहां न्याय भी है, वहां योग भी है, तो षट दर्शन है। और इसके साथ साथ मैं तो ईमानदार की बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का जो चार्वाक है उसको भी आप सनातन परंपरा से उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये एक बहुत सारी विविधता भरा हमारा इंडिक थॉट प्रोसेस रहा है, जहाँ हर थॉट को हमने स्पेस दिया है। खुद वेदों में भी आपको दिखेगा कि हर थॉट को हमने स्पेस दिया है, हम किसको रिजेक्ट नहीं करते, जो भी चीज आती है उसको हमारे अकोमोडेट करते हैं। तो हम रिजेक्शन वाली हम उस फिलोसफी में बिलीव नहीं करते, जो फिलोसफी जो है आपके अब्राहमिक जो रिलीजन है उनके थॉट का बेसिक कंटेंट है, नोनो भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम हर मार्ग को जो कि विवेकानंद ने उसमें कहा कि तश्री महान स्रोत के अंदर कि बहुत सारे मार्ग हैं, सब जाते एक जगह हैं, तो हम हर मार्ग को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या बुद्ध के अनात्म के ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो बुद्ध का जो अनात्म है, पहली बात तो ये, क्योंकि मैं आपके बात मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बुद्ध ने अपने जीवन में खुद ने कुछ भी नहीं लिखा, उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक हमारे पास नहीं है, उनका लिखा हुआ कोई ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स हमारे पास नहीं है कि जो जिससे हम ये ऑथेंटिकली जान पाए कि ये बुद्ध का लिखा हुआ है। वो एक दीगर बात है कि बुद्ध के सामने ही बहुत सारे लोग उनको कंठस्थ कर रहे थे और कालांतर में इतने विवाद भी बहुत सारे हैं, इतने ज्यादा विवाद हैं कि उन विवादों को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको एक दिलचस्प किस्म का इनसाइड उस मोनेस्टिक ऑर्डर के अंदर ही बहुत सारे थॉट्स का आपको डायलेक्ट दिखेगा। हालांकि ये भारतीय परंपरा है, हम डिसेंट को रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं, हम आर्गुमेंटेटिव हैं और हमें होना भी चाहिए। और बुद्ध भी क्योंकि इसी जमीन से पैदा हुए थे वो बिल्कुल उतने ही भारतीय थे जितने सुनील शर्मा या संजय दीक्षित हैं। तो अनात्म की बात अगर हम करें तो अगर अनात्म को बिल्कुल ही मान लेंगे, आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था अगर एक बार के लिए मान लें। हालांकि देखिए बुद्ध इसके लिए अव्याकृत शब्द इस्तेमाल करते हैं, अव्याकृत शब्द का मतलब है कि इसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि बुद्ध मानते हैं कि जो बेसिक जो किसी भी इंसान की जो प्रॉब्लम है वो उसका दुख है। अब आपको तीर लग गया है, अब वो तीर कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने मैन्युफैक्चर किया। बुद्ध ये पैराबल भी बोलते हैं कि अगर आपको तीर लग गया है तो अभी इस पे डिबेट मत करो कि ये तीर कहाँ से आया है, ये किसने बनाया है, ये स्टील का है, पीतल का है, तांबे का है, पहले इसको निकालिए और दुख से मुक्ति पाइए। तो बुद्ध कहते हैं इस पे चर्चा मत करिए, उसको रिजेक्ट नहीं करते। देखिए अब रिजेक्शन और स्टॉप डिस्कशन इसमें एक अंतर है। अभी सपोज आप मुझसे अभी किसी बिल्कुल तीसरी चीज के बारे में बात करें, मैं कहूँ अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उस दिन मैं दूसरी बात करूँ। तो यहाँ पहली बात तो बुद्ध जो है आत्मा के मामले में उसको अव्याकृत शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करनी, इसके ऊपर डिबेट नहीं करना, अभी डिस्कशन नहीं करना, अभी पहले दुखी मानवता को दुख से मुक्ति दिलानी है, इसके ऊपर समटाइम लेटर डिबेट कर लेंगे। पहला तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि खुद अगर आप ये मान लें आत्मा का अस्तित्व होता ही नहीं है तो निर्वाण अपने आप निर्वाण का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्युत्समुत्पाद के अंदर एक बात को कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्युत्समुत्पाद जो उनका जो बेसिक जो है कि भाई ये 12 चीजें जो एक चीज दूसरी चीज को पैदा करती है और दूसरी चीज तीसरी को, तीसरी चीज चौथी चीज को पैदा करती है। और इस जो 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 प्रत्युत्समुत्पाद का जो 12 चीजों का चक्र है इसको
जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे आप जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे। ठीक है सर, अब यहाँ प्रश्न एक है। पहला प्रश्न तो यह है कि अगर आत्मा होती नहीं है तो ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन हो रहा है? या देखिए, निर्वाण का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही अगर आप आत्मा को अगर आप निकाल देंगे और तो ये अपने आप में ही धराशायी हो जाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि फिर प्रत्युत समुत्पाद, या दिलचस्प बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रत्युत समुत्पाद की जो पहला जो स्टेप है वो अविद्या है। अब ये अविद्या वही चीज है जिसको वृदारण्यक उपनिषद में भी बात की जा रही है, जिसकी छांदोग्य में भी बात की जा रही है, क्योंकि और कहीं इसको प्रेय और श्रेय के रूप में बात की जा रही है। तो जो अविद्या है ये पहली स्टेप है जो बाद में आपको उन द्वादश चक्रों के अंदर आपको बांध देती है। तो ये अपने आप में भी आपको लगेगा कि अविद्या का आप इस स्टेप को इस्तेमाल करते ही आप कहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मैं कहने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। देखिए वो ईशोपनिषद का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको ध्यान होगा, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदोभ्याम सह, विद्या अविद्या मृत्योर्तीत्वा विद्या मृत्युमश्नुते। तो इसलिए विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ चलती हैं, और अविद्या के द्वारा भी एक मृत्यु के पार जाने का तो एक आपके पास संग है, लेकिन यदि आप अमृत या मृत्यु के भी पार बिल्कुल जाना है, अमर बनना है या मुक्ति पानी है, तो उसके लिए विद्या आवश्यक है। तो मेरे विचार से कि जो बुद्ध ने विद्या और अविद्या की बात कही वो जो उपनिषदों में कही गई है वो उसी प्रकार आप उसको मानते हैं कि उसी प्रकार से कही गई है। मैं आप नहीं देखिए, मैं आपको ये बताए तो बुद्ध जो है वो किसी भी ढंग से पुराने वाले जो थॉट प्रोसेस था उसके राइवल नहीं है, उसके इवोल्यूशन है, और वो इवोल्यूशन है इसीलिए वो विष्णु के भी दसवें अवतार है। देखिए बुद्ध जो है एक ऐसे सर्वमान्य सर्व एक वो है कि जब जयदेव जब अपना जब लिखते हैं गीत गोविंदम तो उसकी मंगलाचरण में दशावतार वर्णन करते हैं और बुद्ध का बड़ा खूबसूरत वर्णन करते हैं। तो बुद्ध एक वाइडली रिस्पेक्टेड है और वो रिस्पेक्टेड इसीलिए कि कहीं भी भारतीय परंपरा के अंदर उनको कोई प्रतिद्वंदी नहीं माना गया। बाण भट्ट ने अपने हर चरित्र के अंदर जिस समाज को दर्शाया है उसके अंदर परिवार के अंदर एक आदमी बुद्ध की उस फिलोसफी को समझ मान रहा है, कोई मीमांसक है, कोई वेदांती है, तो कोई न्याय प्रमाण के ऊपर ही बात कर रहा है। तो ये जो सब चीजें, ये सारे जो थॉट्स है, देखिए इसको आप डायक्टमी की तरह मत सोचिएगा कि ये अगर मानना है तो इसको रिजेक्ट ही करना है। हमारा एक अलग ढंग का समन्वयवादी एक सोच है। समस्या के लिए यहाँ पे एक आ गई है, 20वीं शताब्दी के जो आजकल जो आधुनिक जिन नव बौद्धों की बात कर रहे हैं कि वो जिस समाज को बनाने की बात करते हैं उस उन उन शब्दों को कल बुद्ध के मुंह में ठूसना चाहते हैं। तो देखिए उससे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको अगर बुद्ध को जानना है तो बुद्ध को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है, अंगुत्तर निकाय है, सुत्त निपात है, हमारे पास ढेरों हमारे पास जातक है, हमारे पास इतने ज्यादा सूत्र है कि आप जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे पास बुद्ध का ओरिजिनल जब लिटरेचर है तो आज के जो नव बौद्ध हैं, जो वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा, जिन्हें बुद्ध के बारे में बिल्कुल उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि बुद्ध कितने डेप्थ वाले इंसान थे और किस ढंग से, क्योंकि अगर ऐसा था तो देखिए बुद्ध लगातार ब्राह्मण श्रमण की बात करते हैं, हर जगह ब्राह्मण श्रमण वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह बात करते हैं। उनके जितने भी अगर आप सूत्र देखेंगे, आप पूरा सूत्र निपात आप उठा के पढ़ लीजिएगा, हर सूत्र के वो जो प्रारंभ पे अगर अपना कोई उपदेश देते हैं तो ब्राह्मण श्रमण की बात करते हैं। तो वो बिल्कुल एक अलग ढंग के इंसान है, वो उसी चैन के पार्ट है, वो उसी चैन को आगे इवॉल्व करते हैं। तो खैर अभी मैं बात जो कर रहा था ये प्रत्युत समुत्पाद की बात जो अविद्या से स्टार्ट होती है और अंत में जन्म जरा जो है वो जाति और जाति के बाद पुनर्जन्म। तो ये यहाँ बात एक है कि पुनर्जन्म किसका, अगर आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका। खुद बुद्ध जो अपने महापरिनिर्वाण जिसका पय्यान जो है जो भारत में आए थे गुप्त काल के अंदर, उन्होंने जिसका ट्रांसलेशन किया उसके अंदर एक बड़ी सुंदर सी कहानी बुद्ध कहते हैं। और वो बुद्ध ये कहते हैं कि एक माँ है, उसको अपने बच्चे को एक मेडिसिन देनी है, एक दवा देनी है, मगर इस बीच उसको ये है, उसको जो उसके जो चिकित्सक उन्होंने कहा कि इस बीच उसे दवा उसको उसको दूध नहीं पिलाना। तो वो जो माँ है अपने बच्चे को मेडिसिन देती है और इस बीच अपने स्तनों के ऊपर पॉइजन लगा लेती है।
और बच्चे को कहती है कि बेटा इसमें पॉइजन लगा हुआ है, बच्चा दवा लेता है और क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वैद्य ने कहा था कि 2 घंटे बाद अब इसको दूध पिला देना, 2 घंटे बाद कहता कि अब दूध पी ले। तो वो ये कहते हैं कि अभी जब आपकी पीड़ा दूसरी है तो अल्पकालिक अव्याकृत जो शब्द है कि ईश्वर होता है नहीं होता, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा होती है नहीं होती है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को अव्याकृत किया कि इनको अभी चर्चा मत करो, इनके ऊपर लेटर बात करेंगे। मगर बुद्ध ने अपने मृत्यु के समय, जिसको बुद्ध धातु कहते हैं या बुद्ध सत्व कहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की और वहां वो ही कहते हैं कि आत्मा होती है। अच्छा, इसी के अलावा अगर आप ये बात करें कि एक सर्वास्थ्यवादी एक बौद्धों का एक संघ रहा है, अब देखिए यहाँ नाम भी आपको समझ में आएगा, सर्व अस्थि। सर्व अस्थि का मतलब है कि वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्य भी होगा। तो यहाँ वो उच्छेदवाद की बात नहीं करें, सर्व अस्थि का मतलब है कि ये तीनों चीजें हैं, वर्तमान भी है, भूत भी है और भविष्य भी रहेगा। तो जब आप ये जब बात करने लगते हैं तो ये इसमें ये आत्मा के अंदर भी आ जाती है, जो कृष्ण की बात थी ना कि आप पहले भी थे, आप आगे भी होंगे और आज भी हैं। तो ये वही बात है। फिर देखिए इसके अलावा आपको जातकों की बात भी देखनी पड़ेगी। जातक के अंदर बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की बात करते हैं, लगातार पूर्व जन्मों की बात करते हैं। पिछले टाइम में हमने दशरथ जातक की बात की थी, जहां बुद्ध कहते हैं कि राम पंडित के रूप में मैं जन्मा था और शुद्धोधन के रूप के अंदर जो है वो दशरथ जन्मे थे और भरत के रूप में आनंद जन्मा था। तो अब अगर आत्मा होती ही नहीं है तो वो कब जन्मे थे। अब चलिए एक बार की के लिए हम मिलिंद पन्न के अंदर, जो बौद्धों का एक बहुत ही व्यापक एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर और नागसेन की संवाद है, वह आत्मा के लिए जो है नागसेन ये कहते हैं मिलिंद को कि आत्मा नहीं होते हुए पुनर्जन्मित कैसे करती है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक लहर समुद्र की लहर दूसरी लहर को पैदा कर देती है और दूसरी लहर तीसरी लहर को पैदा कर देती है अपना अस्तित्व खोके, उसी ढंग से आत्मा बिना खत्म होके भी पुनर्जन्मित कर देती है। मगर अब यह बात एक है कि अगर ये है केवल प्रवाह है, दीपक का जैसा प्रवाह है या नदी जैसा प्रवाह है कि गंगा हमेशा दूसरी गंगा नहीं होती, हमेशा जब आप उतरते हैं हर बार आप नई गंगा में होते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ दीक्षित साहब, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, कि ये बुद्ध को फिर पूर्व जन्मों की चेतना कैसे है? अगर आपको चेतना से ही पुनर्जन्म हो रहा है तो एक तरीके से आपने आत्मा के कॉन्सेप्ट को मान लिया है। देखिए अगर आप ये कहें कि मेरा पूर्व जन्म हो गया, मगर पूर्व की चेतना समाप्त हो गई और नया चेतना फिर नई जन्म चेतना समाप्त, तो फिर भी आप मिलिंद पन्न के उस नागसेन के उस उक्ति को मान सकते हैं। मगर यहाँ बुद्ध चेतना सहित है, बुद्ध हमेशा लगातार उनको पूर्व के सारे जन्मों की चेतना है, उसमें पूरे उन संस्कारों के बारे में उन्हें पता है, उनके अच्छे कर्मों के बारे में भी पता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब वो पुनर्जन्म है, चेतना सहित पुनर्जन्म है, तो फिर उस आत्मा के उस तत्व को वो स्वीकार कर रहे हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बुद्ध ने ये भी कहा है कि आत्मा तत्व है, आत्मा नित्य है। इसी महापरिनिर्वाण सूत्र की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसी में आया है कि आत्मा तत्व है, आत्मा नित्य है, आत्मा गुण है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ध्रुव है और आत्मा शिव है। तो जब इतनी बात बुद्ध कह रहे हैं तो ये जो अनात्मवाद है जिसको लेकर इतनी बात होती है कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल जो आपकी जो वैदिक परंपरा है उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि ये अनात्मवाद की बात करता है, तो क्या हमारे जो बौद्ध धर्म के विद्वान हैं वो इसको जानबूझ के छुपाते हैं या उनको इसका ज्ञान नहीं है? क्योंकि आत्मा को अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया है बुद्ध ने, इसको ऐश्वर्य कहा है, इसको अविपरिणाम कहा है, इसको सत्य कहा है। ये सारी चीजें आपके वो वस्त्रघोष के जो साथ उनकी जो बातचीत हुई है और जो उनके वस्त्रघोष सूत्र में भी है और जो महापरिनिर्वाण सूत्र भी है उसमें ये सब चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट आई है। तो ये जो इस प्रकार के जो द्वंद है वो क्यों है, कैसे है, इसके पीछे कोई राजनीति है? यदि वो राजनीति है तो आप राजनीति में भी दखल रखते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि बुद्ध को इन्होंने पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा है। पहली बात तो ये है कि जो ये लोग जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो वेस्टर्न वर्ल्ड सोचने के लिए एक्सकस्टम्ड है और वो एक्सकस्टम्ड है अपने अब्राहमिक चश्मे से।
तो वहां वो बिल्कुल एक अलग ढंग से उन्होंने रिलीजन को एक अलग ढंग से देखा है. उन्होंने भारतीय परंपरा को वेस्टर्न जो लोग हैं ना तो वो समझ सकते हैं ना, उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो पहली बात तो जब आप बुद्ध को अर्नोल्ड आर्विन के दृष्टि से अगर आप देखेंगे, रीस डेविड की दृष्टि से देखेंगे, तो बुद्ध आपको अलग ढंग से दिखेंगे, है ना. मगर जब आप उसी बुद्ध को या वसुमित्र की दृष्टि से देखते हैं, जब आप उसको नागसेन की दृष्टि से देखते हैं, वैभाषिकों की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर बुद्ध आपको अलग ढंग से दिखने लगते हैं. तो यहाँ आप सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ये है. दूसरी बात यह है कि जो आपके जो हिंदुस्तान के कुछ जो नेता है, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौर के अंदर जो कुछ लीडर्स थे, जो खुद एक नई क्रांति का सृजन करना चाहते थे, वो अपनी लेजिटिमेसी उन्होंने बुद्ध से लेने की चेष्टा की. अब देखिए बात एक है कि मैं अपनी बात कोई कहता हूं तो हो सकता है आप उसको लेजिटिमेट नहीं मानोगे, मगर मैं उसको किसी पुराने किसी अगर मैं उसके लिए कोई आप्त वचन ढूंढ रहा हूं, तो वो उन्होंने बुद्ध को बेसिकली एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की चेष्टा की, और उनका जो थॉट था वो थॉट उन्होंने बुद्ध के मुंह से कहलवाने की चेष्टा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 100 साल से हो रही है. इससे और कुछ नहीं हुआ, खुद खुद बौद्ध जो दर्शन है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बौद्ध बुद्ध को समझे बिना अगर आप अपनी जो बातें हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो बुद्ध के मुख से कहलवाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आप बुद्ध का ही कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध तो एक बहुत एक अलग ढंग के थॉट वाले हैं. और दूसरी बात, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप अनात्म की बात भी करें तो वो भी अगर हिंदुस्तान में कोई क्रांति नहीं है आपके बताए तो, क्योंकि अगर आप बहुत पुराने बिल्कुल प्राचीन आप सांख्य की बात करेंगे, प्राचीन सांख्य की बात, मैं ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका से भी पुराने सांख्य की बात कर रहा हूँ, तो जो जिसकी आपको रूट्स आपको वेदों के अंदर आपको बिल्कुल मिल जाएगी, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो प्रकृति है अव्यक्त है, और अव्यक्त जो प्रकृति है जिसके 24 तत्व है, उसके अंदर 3 गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उनके इम्बैलेंस से सृष्टि का सृजन होता है. तो वो जड़ से चेतना की तरफ आता है, तो जड़त्व से यानी पूर्ण भौतिकवादी चिंतन राय शुरू में सांख्य. तो हमारे यहाँ आत्मवाद अनात्मवाद इनकी जो रूट्स है ये भी आपको बहुत पीछे मिल जाएंगी आपको, क्योंकि देखिए भारतीय जो परंपरा है वो विस्मित कर देने वाली परंपरा है. अगर आप 3000 साल पहले या 4000 साल पुराने अगर आप उन स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो आपके आपको बिल्कुल लगेगा माइंड ब्लॉकिंग, आपको लगेगा कि उस दौर के अंदर भी आदमी कैसे इस ढंग से सोच रहा था. तो बात यह है कि वहां आप क्रांति अगर आपको ढूंढनी है तो उस पूरे थॉट प्रोसेस में क्रांति ढूंढिएगा. वो थॉट प्रोसेस वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस है, इसमें कोई शक नहीं है. मगर जहां तक अनात्मवाद की बात है तो आप इसके अंदर भी उनके 2 थॉट्स हैं, एक जो आपके जो स्थिरवादी हैं, जो थेरवादी हैं, उनका सोच अलग है, और मैं महासांगिकों का या बाद में वैभाषिकों का या सर्वास्तिवादियों का इनका थॉट अलग है. तो बुद्ध को आप एक किसी उसमें मत बांधिएगा कि भाई जो स्थिरवादियों का, मैं श्रीलंका से अगर महापरिनिर्वाण सूत्र ले आए तो बिल्कुल वो वाला ही सत्य है. तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बुद्ध, क्योंकि बुद्ध के अंदर एक समस्या है, आपने पहले भी निवेदन किया था, उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद जब आप जो उनके मृत्यु के पश्चात लगभग 300-350 साल तक उन सब चीजों का संग्रह होता रहा, तो बट नहीं चले उसमें डिस्टॉर्शन भी आया होगा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी. मगर हम बुद्ध को अगर वास्तव में जानना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस हमारे पास बहुत सारे हैं. जैन फिलोसफर्स उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या और जो उनके कंटेम्प्रेरी है वो उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बुद्ध वैसे नहीं थे जैसे बुद्ध नव बौद्धवादियों को दिखते हैं. अति सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात बताई. तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुनील जी, कि ये जो मतभ्रम फैलाया जा रहा है बुद्ध के बारे में, और कई बार तो आपने देखा होगा कि एक प्रकार से बुद्ध जो स्वयं अहिंसा के बहुत बड़े प्रचारक थे, हामी थे, और उनका पूरा जीवन ही अहिंसा के प्रति समर्पित था, और वो जो अहिंसा की बात करते हैं वो भी एक प्रकार से जो गीता में अहिंसा है उसी की बात करते हैं, वो मानसिक अहिंसा की बात करते हैं.
हालांकि उसको जो है फिर वो संघवाद जब आया तो अलग अलग संघों ने उसको ले जाके उसको जिसको आप कहते हैं कि एक्सट्रीम फिजिकल नॉन वायलेंस उसके रूप में परिभाषित किया और उसका बाद में नुकसान भी हुआ। आप देखेंगे कि जो हमारे भारत की जो सीमाएं थी अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया ये सब एक प्रकार से बौद्ध धर्म से आच्छादित थी और जब यहाँ पर हिंसक आक्रांता आए तो ये जो हमारी बाउंड्रीज थी वो आप ये सोचिए कि बहुत छोटे से समय में ये ध्वस्त हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जो इस प्रकार की जो विकृतियां आई इस पूरे थॉट प्रोसेस में इस पूरे विचार में उसका जो नतीजा है उसको एक प्रकार से बौद्ध धर्म को संघों के भीतर सीमित कर दिया गया। आपके जहां भी संघ थे श्रमण थे वही बौद्ध धर्म हो गया और एक प्रकार से जो जनमानस में जाना चाहिए उसमें इस प्रकार की विकृतियां लागेंगी कि वो संभव ही नहीं हो पाया। इसीलिए आक्रांताओं के लिए बहुत आसान हो गया कि वो आए आक्रमण करें एक जगह पे जाए उनको टारगेट मिल गया बस वही जाना है उनको और खत्म कर देना सब। अफगानिस्तान मुश्किल से 10 साल में 10 साल भी नहीं लगे जबकि सनातन धर्म को ये आज तक 1400 साल हो गए और आज तक इसको ये थोड़ा बहुत जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो तो हमारे सामने है लेकिन इसकी आत्मा को नष्ट बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि इसका जो हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत था वो अपने आप में अक्षुण रहा और गीता और कृष्ण से संप्रेरित होता रहा। तो ये जो हमारी जो बाउंड्रीज थी जो सीमाएं थी वहां जो बौद्ध धर्म का ये विकृत प्रचलन हुआ उससे हमारे देश को क्या क्षति हुई मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। अब देखिए ये तो बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल इशू है ना कि लाइक बौद्ध धर्म का भारत के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है और बौद्ध धर्म का भारत को लॉसेस कहाँ हुए है ना। तो ये एक बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है। उसके लिए हमें पूरे बुद्धिज्म को हमें क्रमबद्ध ढंग से एक बार देखना होगा कि बौद्ध जो धर्म है वो कैसे कैसे अपने मूल जो दर्शन है एक्चुअली बेसिकली इसको आप दर्शन के रूप में लीजिएगा कि कैसे कैसे वो मूल दर्शन से वो अलग हो गया और होते होते उसमें तांत्रिक वाम मार्गी ऐसी जो पद्धतियां आ गई जो बाद में कालांतर में जो सिद्धों की जो पूरी जो पूरा जो है पूरा जो वर्क है जिसमें लुईपा है डोमपा है मीनपा है सहरपा है तो ये जो सारे जो जितने भी जो सिद्ध थे वो जिस ढंग की चीजें को अंदर ले आए संघ के अंदर या बौद्ध जो मत है उसके अंदर उससे निस्संदेह इसको बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा है। इतना ज्यादा लॉस पहुंचा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब समाज का जो एक नैतिक जब एक ढांचा जब रहता है तो फिर वो किसी एक वल्नरेबल हो जाता है और वो वल्नरेबिलिटी दिखने लग गई थी। अगर आप 7वीं-8वीं शताब्दी की बात भी करें तो एक बहुत इंसिडेंस है वो सच्चा इंसिडेंस है बट एक्चुअली एक दर्दनाक इंसिडेंस है कि कहते हैं नालंदा विहार के अंदर जो गेट से उन गेट के ऊपर एक बार शराब मिली। तो जब शराब मिली लोगों ने पूछा भाई कहाँ से गेट कीपर से क्योंकि वहां पे हर गेट के ऊपर एक प्रोफेसर होता था। तो कुछ बच्चों का फाइंड आउट हुआ इन बच्चों के पास थी उन भिक्षुओं के पास थी। जब भिक्षुओं से पूछा तुम्हारे पास कहाँ से आई तो उन्होंने कहा हमें भिक्षुणियों ने दिए। तो एक्चुअली जहाँ बहुत अनाचार या मोरल स्टैंडर्ड जब आपकी गिरते हैं तो चीजें आपकी बहुत तेजी से डिस्टॉर्ट होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म के अंदर कालांतर के अंदर जो वज्रयान या बाकी जो वाम मार्ग की साधनाएं आई उसने उनके पूरे नैतिक जो मोरल जो स्टैंडर्ड्स जो थे फुट जो बुद्ध के जमाने में इसमें कोई शक नहीं। देखिए बुद्ध एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और हिंदुस्तान में जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से मैं उनमें से एक शुमार उनका मानता हूँ और उसी का कारण है कि हम उन्हें दशावतारों के अंदर भी हमने उनको उनको सम्मिलित किया है। तो बट एक्चुअली कालांतर में जब उससे इतना विचलन हो गया और वो विचलन केवल वही से नहीं हुआ नैतिकता से विचलन हो गया। तो जब नैतिकता से विचलन हो जाता है तो फिर इसमें कोई शक ही नहीं कि चीजें ऐसी होगी। मगर इसमें इसके अलावा मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ। मैंने नालंदा की बात की तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। गुप्त सम्राट जिनके बारे में जितने भी आपके जो लेफ्टिस्ट जो थिंकर्स हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं सो कॉल्ड
सो कॉल्ड हिस्टोरियंस, क्योंकि अर्ध जानकारी के कारण मैं उनको कह रहा हूँ, तो वो ये मानते हैं कि गुप्त साम्राज्य ऐसा था जहाँ ब्राह्मणिकल थॉट्स का रिवाइवल होता है। पर दिलचस्प बात है, कुमार गुप्त जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए कुमार गुप्त जो है, जो गुप्त सम्राट है, उन्होंने ना केवल नालंदा की स्थापना की, उन्होंने सैकड़ों गांव और उस विहार के डे बाय डे के रेकनिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए भी डोनेट किए, जिस पुष्यमित्र शुंग के लिए कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को। एक मिनट, आपको देखिए ये क्या है कि ये जो विषय है इसके लिए हमने एक और सेशन तय कर रखा है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता सारी चीजें आज ही डिस्कस हो जाए। चलिए ठीक है, अयोध्या का जो अभी विषय आया है उसके संदर्भ में हम विस्तृत रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से वामपंथी इतिहासकार जो चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश में विद्वेष फैलाया। अयोध्या का जब विषय आया था तो उस समय जो हमारे मुस्लिम भाई थे तो वो लगभग तैयार थे राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपने को, लेकिन उसके बाद ये आपके वामपंथियों ने आके और उसमें एक घालमेल किया और कहा कि नहीं नहीं हमारे पास सबूत हैं और तुम इसको छोड़ना मत, और इस प्रकार का विद्वेष फैलाया जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। और बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसा द्वंद कर दिया जिसका कि निराकरण मुश्किल लग रहा है। और जब और उसके प्रमाण आते हैं तो अब वो जो है वो बौद्ध धर्म से विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं, जबकि जबकि दिलचस्प बात है कि हर चरित्र के अंदर, या आप अगर आप वेन संघ को अगर आप लें, जो वेन संघ जिसने एक सुयू की लिखी है, तो वो पूरी उस यात्रा के बारे में लिखते हैं कि जो एक शोभा यात्रा निकल रही है, तो उस शोभा यात्रा में आपको है, मुझे पता है कि आपको पास इसके बारे में बहुत जानकारियां हैं, लेकिन हमारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत ही दिलचस्प विषय पर हम एक और सेशन किसी दिन करेंगे और जनता को आपके ध्यान से लाभान्वित करेंगे, हमारे जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों को विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय अपना ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, यदि आपको पसंद आया हो ये हमारे जो एपिसोड है कालबोध के, तो कृपया हमें आप सब्सक्राइब करें और इनको जो आपके वीडियोज हैं इनको शेयर करें, इनका बेल आइकॉन दबाएं, और जिस प्रकार से भी आप इनको प्रचारित कर सकते हैं कृपया करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम सुनील जी जैसे और भी लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को आपके सामने ला सकेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत